बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिद्रा किचन स्क्वायर। तो आज हम बनाने वाले हैं फॉक्सटेल मिलेट का दलिया। ये हाफ कप फॉक्सटेल मिलेट है, 2 टेबलस्पून मूंग की दाल है, ये ग्रीन वाली है। आप चाहे तो येलो भी ले सकते हैं, या फिर कोई और दाल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। फॉक्सटेल मिलेट को एक बार अच्छे से पानी से धो लें, उसके बाद 6 to 8 आवर्स पानी में सोख करके रखें। और आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैंने ओवरनाइट ही रखा है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर ले लें आप, उसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालें। आप कोई दूसरा भी तेल डाल सकते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून जीरा डालें आप। जीरा के ब्राउन होते ही इसके अंदर प्याज डाल दें, ये हाफ कटी हुई प्याज है। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा 10 सेकंड के लिए इसको इसके साथ मिक्स कर लें। अब इसके मिक्स होते ही इसके अंदर हम दाल डाल देंगे जो हमने धो के रखी हुई है। दाल के साथ इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको इसके साथ पका लें। इसके अंदर फाइबर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पेट में दर्द हो तो आप इसको दलिया बना के खाएं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें और इसको मिक्स कर लें। अब जो हमने अपना फॉक्सटेल मिलेट को भिगो के रखा था, अब वो डाल देंगे। ये पानी के साथ ही डाल दें, इसको मिक्स कर दें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमने हाफ कप फॉक्सटेल मिलेट लिया था, तो 3 कप हम इसके अंदर भर के पानी डालेंगे। ये फूलती बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा लगता है। अब इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको 1 सीटी लगाएंगे हम फुल फ्लेम पर, और 4 से 5 सीटियां लगाएंगे हम इसको लो फ्लेम पर। देखिए हमारी 1 सीटी लग गई थी, उसके बाद 4-5 सीटियां भी लग गई थी। अब उसको खोल के देखते हैं। देखिए दलिया बन चुका है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो 1-2 सीटी और भी लगा सकते हैं, इसको और पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ तो ये काफ़ी है। देखिए इस तरीके का थिकनेस में है, आप इसे पतला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलो इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे गार्निश किया है हरा धनिया के साथ। हमेशा आप इसको हरे धनिया के साथ गार्निश करें, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसके अंदर आपको मैंने बताया है फाइबर, कैल्शियम तो होता ही है, आयरन तो होता ही है। इसके अंदर विटामिन्स भी होता है, विटामिन B3, B2, B1, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि फॉक्सटेल मिलेट होता क्या है, तो मैं उन लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आप इसे घर में ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।